नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं गीति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री ने वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 22.55 लाख की लागत से 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालढांग और फेरूपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। जिस किसी को भी इनकी आवश्यकता होगी वो फोन करेंगे तो तत्काल उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे जनता को आकस्मिकता के समय काफी मदद मिलेगी। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, अस्पतालों पर एम्बुलेंस खड़ी रहेगी। इसको लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालढांग और फेरूपुर के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने 2 एम्बुलेंस को आज हरी झंडी दिखाई, जिससे कि एम्बुलेंस के चलते जो परेशानियां हो रही थी वो कम हो जाएंगे। आकस्मिकता के समय काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आज मैंने अपने क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस दी है। एक तो लाल डैंग जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक दूसरा हमारा स्वास्थ्य केंद्र फेरूपुर के अंदर है, एक फेरूपुर गांव के अंदर और एक लाल डैंग के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये एम्बुलेंस उन पर खड़ी रहेंगी और जिसको भी आवश्यकता होगी वो वहाँ पर फोन करेंगे और तुरंत एम्बुलेंस उनके घर पहुँचेगी और जो मरीज उसमें आएगा उसको उचित। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसपे विधायक रुड़की की जनता को अनपढ़ कहते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में प्रदीप बत्रा का कहना है कि रुड़की एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और मैं खुद रुड़की शहर से पढ़ा हुआ हूँ और ये वीडियो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को एडिट करके अपने फायदे के लिए इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मैं रुड़की की जनता का सम्मान करता हूँ। तो विधायक का वायरल वीडियो सामने आया था, जिसके बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने सफाई पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें विधायक रुड़की की जनता को अनपढ़ कहते नजर आए थे। वहीं इस पर सफाई दी है, रुड़की एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और खुद रुड़की शहर से पढ़ा हुआ हूँ, ये वीडियो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन कुछ लोग इस वीडियो को एडिट करके अपने फायदे के लिए इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है और मैं स्वयं रुड़की का पढ़ा लिखा हूँ और रुड़की से पढ़ाऊँ। रुड़की सम्मानित जनता ने मुझे सुझाव दिए कि रुड़की में इस तरह से काम होना चाहिए। रुड़की ग्रीन सिटी क्लीन सिटी क्यों माना जाता है, आज रुड़की स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में प्रथम क्यों आ रहा है, सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि एक प्लानिंग के तहत काम किया गया और रुड़की की जनता का सुझाव और सहयोग मुझे मिलता रहा है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हरिद्वार प्रशासनिक भवन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर अवैध खनन चल रहा है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। खनन माफिया इन दिनों मिट्टी बेचकर खरा सोना बनाने का कारोबार बेखौफ चला रही है। वहीं इसको लेकर प्रशासन को जरा सा भी भनक तक नहीं पड़ी है। बता दें कि इसी को लेकर तहसीलदार गिरीश त्रिपाठी अपनी टीम के साथ हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे, लेकिन तहसीलदार के पहुंचने से पहले ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। तो अवैध खनन का कारोबार एक बार फिर से हरिद्वार में पनपने लगा है और काफी गति पकड़ रहा है। बता दें कि हरिद्वार प्रशासनिक भवन के मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर ही अवैध खनन का काम चल रहा था। खनन माफिया इन दिनों मिट्टी बेचकर खरा सोना बनाने का कारोबार बेखौफ चला रहे हैं और प्रशासन को इस बात की जरा से भी भनक नहीं है और ना ही इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है। तो खनन माफिया कितने किस कदर बेखौफ हो गए हैं, ये खबर इसकी बानगी कर रही है कि हरिद्वार में बेखौफ खनन माफिया अब सोने का कारोबार कर रहे हैं। खनन के माध्यम से वो सोना बनाने का काम कर रहे हैं और इस पर प्रशासन की या सरकार की किसी की भी कोई नजर नहीं पड़ती है।
हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अस्थि विसर्जन करने वाले यात्रियों के लिए एसओपी जारी की है। कोविड 19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बावजूद भी भारी संख्या में रोजाना श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसमें अधिक संख्या अस्थि विसर्जन करने वालों की है। वहीं एसओपी में यह जारी किया गया है कि हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए एक साथ चार ही लोग आ पाएंगे और सभी लोगों को कोविड 19 निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो अस्थि विसर्जन करने आने वालों के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसमें कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया है। डीएमसी रविशंकर ने ये एसओपी जारी की है, जिसमें कोविड निगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन का प्रमाण पत्र लाने पर ही उन्हें अस्थि विसर्जन करने दिया जाएगा। हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों के जिले को गंगा जल भेजा जा रहा है। अब तक हरिद्वार से दिल्ली और हरियाणा के लिए गंगा जल की 4 टैंकर रवाना हो चुकी हैं। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने मेला नियंत्रण भवन से यमुनानगर जिले के लिए रवाना किए गए गंगा जल के टैंकर को हरी झंडी दिखाई। डीएम ने कहा कि कांवड़ियों का हरिद्वार आना प्रतिबंधित है, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मांग के अनुसार गंगा जल भेजा जा रहा है। कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन भी गंगा जल भेजने के सहयोग कर रहे हैं। तो दूसरे राज्यों में गंगा जल भेजने का कार्यक्रम है। कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि गंगा जल सभी को दिया जाएगा, तो इसके लिए अब टैंकर भेजे जा रहे हैं। अभी दिल्ली और हरियाणा के लिए भेजे गए हैं ये टैंकर, जिसमें लोगों को गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार में कोविड के चलते लोगों की एंट्री नहीं है। चमोली में सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं इसके चलते वैक्सीनेशन भी उसमें एक महत्वपूर्ण अभियान है, लेकिन पहाड़ों में वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक कराना पहाड़ी वासियों के लिए बहुत ही बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में नेटवर्किंग की समस्या हमेशा रहती है, जिसके वजह से स्लॉट बुक नहीं हो पाते हैं। वहीं अब नेटवर्किंग की समस्या से निजात मिल गई है और अब वैक्सीनेशन केंद्र पर ही लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपनी वैक्सीन की डोज लगवा कर खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जब लोगों को नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वैक्सीनेशन को उसको ऑनलाइन पंजीकरण कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसको लेकर ही अब बूथ बना दिए गए हैं और लोगों के अंदर भी इसको लेकर खुशी की लहर है, क्योंकि लोग आसानी से वैक्सीन केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल बीडी पांड चिकित्सालय में नई एम्बुलेंस का उद्घाटन विधायक संजीव आर्य द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने यहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं युक्त चिल्ड्रंस वार्ड का निरीक्षण करने के साथ ही चिकित्सालय की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एम्बुलेंस सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अभाव में रोगियों को पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह पीठ पर भी लाना पड़ता है। यदि यही सही समय पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो जाए तो रोगी की जान बचाई जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए थर्ड वेव का अंदेशा है, थर्ड वेव बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रभावी होगी, इस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने अभी से अपनी तैयारियां शुरू की हैं। आज हमने पेडियाट्रिक वार्ड का शुभारंभ किया है। हमने यहां पर 7 बेडेड चिल्ड्रन बेड के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से उस बेड को और उस वार्ड को हमने बनाया है। उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से बच्चों पर कोई प्रभाव पड़े तो उसके लिए बीडी पौड़ी गढ़वाल में विकास पलायन आयोग के निर्देश पर इलाके में काम किया जा रहा है। पलायन आयोग सदस्य दिनेश रावत ने इलाके में निरीक्षण के बाद बैठक भी की। बैठक में कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। कोविड को लेकर लोगों को संबंधित जानकारी मिली। उन्होंने सुझाव दिया है कि ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर 5 अच्छे काम करने वाले काश्तकारों का चयन भी किया गया है और इन काश्तकारों को अब मनरेगा के तहत पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से विकास काम किया जा रहा है।
तो पलायन आयोग सदस्य की अहम बैठक हुई पौड़ी गढ़वाल में, जहां पर बैठक में कोविड 19 को लेकर अहम चर्चा की गई। इस दौरान काश्तकारों को अब मनरेगा के तहत पुरस्कार देने की भी बात हो रही है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से विकास का काम तेजी से किया जा रहा है। श्रीनगर के बिड़ला परिसर सभागार में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर बैठक की गई। अपर जिला अधिकारी डॉक्टर एस के बरनवाल की अध्यक्षता में श्रीनगर के सभी परीक्षा केंद्रों के प्रचार रजिस्ट्रार, लोकल इंस्पेक्टिंग ऑफिसर और संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। वहीं शिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी द्वारा आगामी 10 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा की तैयारी को लेकर पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परीक्षा को सुगमता पूर्वक संचालन के लिए आयोग को दिशा निर्देश और महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी गई है। हरिद्वार के सिद्धगुल थाना क्षेत्र में दो शातिरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। शातिरों को पकड़ने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी मिली कि शातिर लंबे समय से पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा अपने आप को फैक्ट्रियों का ठेकेदार बताकर लोगों के मोबाइल में अपना नंबर फीड करने के बहाने फोन लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। मामले की सूचना के बाद लोगों ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक क्लिनिक को सीज कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई से संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि इस पूरे मामले पर ड्रग इंस्पेक्टर ने हरिद्वार सीएमओ को जानकारी दी, जिसके बाद सीएमओ के निर्देश पर डेप्यूटी सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की और क्लिनिक को सीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस क्लिनिक में जो पैथोलॉजी लैब भी संचालित हो रही है, जिसके मानक पूरी तरह से वैध नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने अब कमर कस ली है और भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है और तोड़े गए होल्डिंग बैनर को भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि होल्डिंग बैनर माफियाओं के द्वारा लगाया जा रहा था और वन विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने फौरन एक्शन ले लिया। इस पूरे मामले पर डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग की भूमि पर किसी भी तरह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये क्षेत्र में जो कि वन विभाग के द्वारा अपना वृक्षारोपण कराया गया था पूर्व में, इस क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसमें कि ये जो कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टी का कारोबार करते हुए कुछ अपना ये प्लॉट वगैरह बेचने की कार्रवाई की गई होगी, तो इसमें कुछ जो हमारा वृक्षारोपण क्षेत्र है उसके आसपास भी इनके द्वारा अपने बोर्ड वगैरह लगाए गए थे। तो कल अपने वृक्षारोपण क्षेत्र को हमने खाली कराते हुए इसमें, और जहाँ जहाँ पर इस तरह के रास्ते वगैरह संभावना हो सकती थी कि इधर से रास्ता वहाँ पर दिया जा सकता था, उसको जो है खाई के द्वारा खाई खोद के रोका गया है। और ये जो बोर्ड है, लालकुआ में हजारों लोगों को रोजगार देने वाली एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल में शुमार लालकुआ सेंचुरी पेपर मिल पिछले कई दशकों से क्षेत्रवासियों को रोग परोस रही है। सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हैं। मिल के प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु की मौत मर रहे हैं। वहीं पूर्व में मिल के प्रदूषण पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों की जिलाधिकारी से लेकर ना जाने कितने बड़े अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकल कर सामने आया है। वहीं मिल प्रबंधन ने भी प्रदूषण से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। कोलकाता में जो घोड़ा नाला प्रदूषित नाला बहाया जा रहा है, उसे भूमिगत कराया जाए। दूसरी मांग है हमारी 80% जो मूल निवासी उत्तराखंड के हैं उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो प्रदूषित प्रभावित लोग हैं उनके लिए 50 बेड का बढ़िया हॉस्पिटल खोला जाए। और हमारी मांगें 15 सूत्री मांगें हैं, जिसमें हमने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है और 15 दिन का समय दिया है। अगर आगे ये हमारी हमारे प्रस्ताव पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे आंदोलन किया जाएगा। ये जो सबसे बड़ा प्रदूषण हो रहा है वो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है। चूँकि ध्वनि प्रदूषण का असर लालकुआं जो नगर पंचायत क्षेत्र है वहाँ पर घनी आबादी का क्षेत्र है और पेपर मिल के आसपास वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 3, खड्डी मोहल्ला और आपके
जो सेंचुरी के बिल्कुल सामने जो दूसरे नई बस्ती वगैरह और बंगाली कॉलोनी 25 एकड़ वगैरह ये बस्तियां हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कानों की प्रॉब्लम हो रही है और उनके दिमागी स्तर पर, उनको उनकी मानसिक स्तर पर भी। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर जिला पौड़ी क्षेत्र में बह रही बीन नदी लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। लगातार हो रही बारिश से बीन नदी का जलस्तर उफान पर है, जिसके चलते हरिद्वार से चीला मार्ग से ऋषिकेश की ओर आने वाले वाहन उफनती नदी की चपेट में आ गए हैं। तो उफान पर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और जलस्तर बढ़ने से जो नदियों का पानी है वो बाहर भी आ रहा है, रोडों पर भी लोगों को रोड पार करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल में मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी के चलते सरोवर नगरी और उसके आसपास के इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं मूसलाधार बारिश के वजह से पर्यटक भी होटल में ही बैठे हैं। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बता दें कि 27 जुलाई से विद्युत विभाग की हड़ताल चल रही है, जिसके चलते आधे सरोवर नगरी और उसके आसपास विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।